हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है वेडनेसडे और अभी हमारा बेबी आया है फीडिंग के लिए। रेसी से आया है फीडिंग के लिए और हर 2 से 3 घंटे में बेबी की फीडिंग हो रही है। और कल है, कल सुबह जो फिर से जॉइंटिस का टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगी, उससे आगे का प्रोसीजर पता चलेगा। उसकी आंखें अभी बहुत पीली है और उससे पता चलेगा आगे कि कितना रिकवर हुआ है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि आगे और रखना है कि नहीं रखना है। वैसे तो 4 से 5 दिन बोला था डॉक्टर ने कि 4 से 5 दिन रखना है बेबी को, लेकिन कल एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताएंगे क्या करना है। डुग्गू घोड़े बेच के सो रहा है, देखिए मुँह खोल के सोया जा रहा है। यहाँ पे मच्छरों की कमी नहीं है, मच्छरों से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कल रात को हमें 2 बजे इमरजेंसी में घर जाना पड़ा। खाली यहाँ पे कंबल, चादर कुछ भी अवेलेबल नहीं करा है हमने, तो मैं रात को 2 बजे घर जाना पड़ा कंबल लेने, चादर लेने। तो अभी हम लोग बेबी को छोड़ के आए NICU में और उसे फीड के लिए। वो करीबन 3 घंटे बाद वापस आएगी, है ना डुगू? डुगू नहीं मिल पाया। डुगू खेलना ही नहीं। क्या हुआ अभी ना, वो मेरे पास था थी गोदी में, और उसके बाद क्या हुआ, डुगू को इधर से डुगू आया मेरी गोदी में बैठ लिटाया राजा ने। मैं बोला ऐसा लगा कि पता नहीं इधर से हल्के से एकदम इतना भारी है ना, क्या वैसे हम लोग उठाते ही थे किसी छोटे बच्चे को, और अभी इतना छोटा सा बच्चा है वो, और जैसे डुगू को उठाओ तो ऐसा लगता है डुगू बहुत बड़ा बच्चा है। और डुगू को 3-4 दिन से ट्रीटमेंट भी वैसी मिल रही है बड़े वाली, इतना भी बड़ा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। डुगू बेबी से मिलने आया है डुगू। तो यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक सीढ़ियाँ, देखिए बस हम लोग को यही डर रहता है कि डुगू कहाँ गया। चलो रूम में, चलो रूम में, चलो यहाँ इतनी मस्ती नहीं, पैदल नंगे पैर नहीं, नंगे पैर क्यों आए रूम के बाहर, चलो आप चलो वहाँ पर, चलो चलो नहीं मानोगे। तो अभी हम लोग आए हैं घर और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा सामान लेने आए थे। और वो जो 2 घंटे का टाइम मिलता है फीडिंग में, हालत बहुत ख़राब हो गई है। सुबह आए फिर अभी रात में आए, तो चलिए चलते हैं घर। घर आ गए हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, आएंगे ना, बस इसको देखो पता है ऊपर आना है इसे, और नींद आ रही बच्ची को, तो उसको नींद आ रही है, पर मैं इसको पहले खाना खिला रही हूँ। तो खाने में है यार मूंग दाल की खिचड़ी जो मैं और डुगू खाएंगे, और राजा अपना अलग खाना खाएंगे, क्योंकि इसको देखो बस तुम राजा शक्ति। तो खाना डाल रहे हैं ना, पहले मैं इसको खिला रही हूँ और फिर मैं खाऊंगी। दाल भी बटर, रुक जाओ। डुगू क्या खा रही है, डुगू क्या खा रही है। हेलो जा रही है ऑफिस NICU में, और डुगू आपको रिएक्शन दिखाना चाहता था मैं, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। डुगू सो रहा था मम्मी के साथ और सिस्टर लेके आई बेबी को। डुगू ऐसा रोया जैसे मैंने क्या हो गया हो, कोई इतना गंदा रिएक्शन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कल रात को आई थिंक व्लॉग किया है, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ, और आज 12 बजे टेस्ट होना था बेबी का,
तो टेस्ट हुआ है और जॉइंटिस रिकवर नहीं हुआ है, अभी भी है। तो दो दिन के लिए वो और कह रहे हैं एडमिट करने के लिए, तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, मैं थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करके आऊँगी क्योंकि हॉस्पिटल लोगों को नहला के लाना पड़ेगा और सब कुछ जो भी है सारे काम जो है वो निपटा के हम लोग आते हैं दोपहर में। और एक बार हम लोग रात में जाते हैं, डुबो थोड़ा खाना वाना ही प्रिपेयर करके लेके आऊँगी। तो मेरे को लगा कि आप लोगों को बताए थे सुबह मैंने ना इडली खाई है और राजा यहीं से कॉफ़ी हाउस से इडली ले आए थे। तो ब्रेकफास्ट मैंने इडली और राजा ने खाया सांभर बड़ा, फिर कुछ कुछ बना के लेके आऊँगी क्योंकि कल रात को पता है बहुत अजीब सा हो गया था, बहुत भूख लग रही थी, खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी रात में। तो चलिए चलते हैं और यहाँ से घर चलते हैं और फटाफट रेडी होते हैं वहाँ जाके, फिर वापस आते हैं। और फिर बस ये है कि जल्दी से बेबी ठीक हो जाए। बना लिया आपने? उपमा बना लिया थोड़ा सा, और रसोई बहुत गंदी फैली हुई है। हम लोग को आधे घंटे पहले पहुँच जाना चाहिए था, आधे घंटा ऊपर हो गया और उन्होंने लंच भी नहीं किया है क्योंकि घर पे आए पहले शिवानी नहाई नहाया, फिर मैं नहाया, फिर शिवानी ने चाय बनाई, बहुत सारा थोड़ा बहुत अपने ने खाना बनाया। हमें ना हॉस्पिटल जाना है, यहाँ पे कोई समारोह शुरू हो गया है भागवत गीता का, यहाँ पे पूरे जुलूस वहाँ से हम लोग क्या जुलूस निकल जाए उसके बाद जाने मिलेगा, अपना अंदर जा ही नहीं पाओगे आप। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? अभी मतलब हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे? अभी नहीं जा पाओगे, वो जुलूस आ रहा देखो ना, वहाँ जुलूस आ रहा, देखो वो जुलूस आ रहा पूरा। तो शिवानी घर का खाना खा खा के थोड़ा सा बोर हो गई थी। जी नहीं। तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए कोई है ही नहीं खाने में, खिलाने के लिए। अच्छा ब्रेकफास्ट के लिए कोई नहीं है, मजबूरी में कॉफी हाउस से हमको इडली सांभर और वड़ा सांभर मंगवाना पड़ा है। और बहुत 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 तेज भूख लग रही है, 11:30 बज गया रात को, लेट खाया था। हाँ हाँ यार, नाश्ता खिलाने के लिए यहाँ पे कोई है नहीं, हमारी मेड है जो वो भी 1 बजे आती है, उसको बोला था सुबह से आ जाए तो कोई नाश्ता बना दे घर पे, तो कोई ले आए लेकिन सुबह किसी और के घर में, बहुत सारे घरों में जाती होगी खाना बनाने के लिए। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा आया है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या टेस्टी सबने मंगवाया है। थोड़ा ये रही इडली, ये है सांभर और ये है चटनी, यहाँ पाथी हो रही है, फाची ये पार्टी नहीं हो सकती, पार्टी नहीं हो सकती, इडली की सांभर, इडली सांभर की पार्टी नहीं हो सकती है। क्यों, आपका तो फेवरेट है ना ये डोसा इडली सांभर? अरे यार, तो ये देखिए डुग्गू की तो यहाँ मस्ती ही खत्म नहीं हो रही है, इतनी मस्ती देखी कुछ भी नहीं। ये जो है ना ये रखेगा, तो अभी तक इडली थी, अब आ गया है साथ में वड़ा भी, तो हमारी पार्टी चल रही है इडली सांभर वड़ा की पार्टी। कौन कौन किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ये इडली सांभर वड़ा देख के। तो कैसा लग रहा है आपको ब्रेकफास्ट आपका? अच्छा लग रहा है, चटनी अच्छी है। अच्छा लग रहा है, चटनी अच्छी है, सांभर अच्छा नहीं है। और इडली वड़ा कैसा है? राइस मना किया गया है। लंच आ गया जो कि आया है इवनिंग टाइम पे, तो मैंने दाल रोटी मंगवाई है आज। हाँ, और दोपहर में दाल रोटी खाएंगे। और ये आया है अभिनंदन होटल से, सुबह हमने खाया था इडली, था इडली और वो। तो यार अभी मेरे साथ ऐसा है कि मुझे जो मिलता है मैं खाने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर कुछ देख रही हूँ खाने में, ये खाना वो खाना, मेरे को फिलहाल ये है कि मेरा पेट भर जाए क्योंकि मैं दो बच्चे जो हैं, क्योंकि मैं दो बच्चों को फीड करा रही हूँ, डुगू भी नहीं मान रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी आ गई है रोटी, ये है दाल। तो ये जो है ना हमने पत्नी राजा ने बिना मसाले की करा के लाए, सिर्फ जीरे में डलवा के, जीरा बहुत सारा है इसमें क्योंकि जीरा अगर आप फीड कराते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे आ गई है रोटी, यहाँ पे हाँ जी क्या, हाँ, और ये जो है ये है प्याज। हाँ बेटा जब खाए खाए डबो। रात के 11:30 बजे हम लोग जा रहे हैं नाइट सफारी, नाइट सफारी नहीं पेट पूजा कर रहे हैं, घर घर में कुछ बनाया जाए। नहीं यार ये ब्लॉग कितना लंबा चला गया है, और
अभी आके मैंने यहाँ पे राजा की मैगी करी है क्योंकि मेरे में इतनी वो नहीं थी। चाय बना ली है मैंने और मैं ब्रेड लेके जा रही हूँ। और मुझे ना स्टिचेस में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है और मेरे पता रेस्ट ही नहीं मिला है। मुझे डुबू के टाइम पे भी यही हुआ था और इस टाइम पे भी यही हुआ है। दो बार के हम लोगों ने बाहर खा लिया और मेरे को ना पेट में अजीब चल रहा है, मैं बोला इसलिए मैं चाय वाय ले लूँगी, अगर कुछ हुआ तो बिस्किट ले लूँगी, मैं नहीं खा रही खाने। मैंने राजा को बोला तो मैंने राजा के लिए मैगी बना दी है। ये रही मैगी, एक बॉयल्ड मैगी, नथिंग स्पेशल। यहाँ मैंने चाय कर दी है। यहाँ है मिस्टर बोजू के अंडे और इसमें मैं डालने वाली हूँ चाय। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मैं सब बस खाली कर रही हूँ, लगा रही हूँ क्योंकि फिर बेबी का ना टाइम हो जाएगा फीडिंग, तो दो ढाई घंटे का टाइम मिलता है अगर आप घर आ सकते हो। आज दिन से हम लोग घर ही नहीं आए और भैया बड़े अजीब सा हो रहा है मेरे पेट में, कहता है आपको। चलिए अभी पहले मैं ये सब डाल लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। और हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सचमुच मुझे रोना आ रहा है, मुझे अच्छा ही लग रहा है सच। पर ठीक है, तो बस अब पैक हो गया, अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो क्या हुआ है, जो बेबी है उसे जॉइंडिस हुआ था और आई थिंक पिछले ब्लॉग में पता है, तो जॉइंडिस का जो लेवल था वो डुकू का जब 3 दिन ट्रीटमेंट हुआ था तो 10.0 लग गई ना, 10 समथिंग था। जब बेबी का यहाँ पे कराया तो उसका 16 था, जस्ट इतना था, तो बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा हुआ था। उसकी आँखों में पूरी हल्दी उतर गई थी, इतना ज़्यादा था। हम जहाँ पे थे वहाँ पे नहीं पता चला उसका जॉइंडिस का, यहाँ पे आके फिर जब हम घर आए उसके बाद हम लोगों ने देखा है। उस टाइम पे हमें लगा कि इसको प्रॉब्लम है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लीपी हो रही थी, मतलब उठी भी नहीं रही थी, वो ऐसी हालत थी उसकी। लेके गए हम लोग उसे और अभी उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जहाँ हमने उसे रखा वहाँ पे हम लोग को डाउट हुआ बाद में। और थोड़ा सा यार था और उसके पूरे मुँह में माउथ में इन्फेक्शन हो गया है, पेट में स्वेलिंग है और वही दवाई उन्होंने दी है। पूरे माउथ में उसके इन्फेक्शन, वो दूध भी नहीं पी पा रही है ना, वो मदर फीड ढंग से ले पा रही है, बड़ी मुश्किल से मदर फीड करा रही हूँ और फिर फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं ले पा रही है। तो उसको माउथ इन्फेक्शन भी हो गया, आज उसको दवाई करी है डॉक्टर ने। तो एक चीज़ थी और चार चीज़ बिगाड़ के दी है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। इस बारे में मैं बात करूँगी बट अभी हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे को लग रहा है एक बार हम लोग घर ले आए बच्चे को, उसके बाद हम लोग वो जो बात है वो करेंगे। क्योंकि हम एक चीज़ के लिए लेके गए थे और उसे वहाँ जाके चार चीज़ और हो गई, उसके पूरे हाथ में रैशेस, पूरे मैं आपको बताऊँ उसका पूरा स्किन छिल गई है उसकी, जो हालत हुई है वहाँ पे। तो मैं आपको बहुत, मतलब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा वो है। आज हम लोगों ने कहीं और से भी रिपोर्ट करवाई है और जस्ट क्या बोलूँ मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा। तो जैसा भी है मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में, क्योंकि आपको समझने के लिए स्टार्ट से एंड तक की ज़रूरत होगी कि इतना सब हुआ है उसके साथ। तो अभी भी क्या हुआ था, जब मैं उसे फीड करा रही थी तो वो फीड नहीं कर रही थी, तो वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है उसने बोला उसे भूख लगी है, तो हमने उसे फीड करा भी चली गई थी, मैं फीड कराया। तो मेरे को लगा दो ढाई घंटे के लिए घर आएंगे तो पहले मैं फीड करा के आती हूँ। जब मैं फीड कराई थी तो एकदम थोड़ा सा फीड किया है और उसके बाद हमने उसे इतना हिलाया, ताली बजा रहे सब बजा रहे कि उसे थोड़ा, कई बार बच्चे को उठा उठा के फीड कराना होता है, वो उठ ही नहीं रही, मतलब वो हिल ही नहीं रही। मेरी सांसें रुक गई थी उस टाइम, जो हालत थी उसकी। फिर मैं NICU में उसे लेके गई, मैंने बोला नहीं हिल रही है, तो बोल रही है कि वो उसे पुराना वाला स्टाफ मे बी फीड करा के चला गया होगा इसलिए वो नहीं उठ रही है। तो वही मेरे को थोड़ा सा इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर लग रहा था स्टाफ का। तो चीज़ें हैं बहुत सारी और दिमाग मेरा भी वही है। तो कल हम लोग उसे डिस्चार्ज करा के लेके आएंगे, बेशक फिर उसका जहीं कहीं और हमें ट्रीटमेंट कराना पड़े। अभी जॉइंटिस जो है उसका हमने जो लेटेस्ट, अम्मा तो अभी ये जो है ये और थोड़े से वो हो रहा है क्योंकि इसको जगह नहीं मिल रही है कहीं पे घूमने की, वहाँ पे एक रूम में और एक नीचे जा रहे हैं घर बोल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, निकल रहे हैं बस यहाँ से।
बोजो को ये फीड करा रहे हैं, बोजो को भी आप लोग बोल रहे हैं दिखाने के लिए। बोजो को मैं अभी कुछ नेक्स्ट व्लॉग में ही हम लोग आते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ, उसे नहलाना वगैरह भी है। तो उसके लिए हमने एग का वो किया और उसको आज दिन में उसका भी ऐसा था कि बड़ी मुश्किल से जो फीडिंग है वो हम लोग उसकी करा पाए हैं। वो भी हमने किसी को भेजा था कि उसकी फीड करा दें, और अभी हम लोग स्पेशली आए थे कि हम उसको फीड करा दें। और यहाँ पे राजा वो डुग्गू के डायपर्स, हाँ डुग्गू के डायपर्स खत्म हो गए थे, हमने एक पैक खरीदा वहाँ पे इसलिए। तो चलिए यहाँ चलते हैं और चल के अब हम लोग कर लेते हैं वहाँ पे ब्लॉग को एंड। और बस ये यार मूड बहुत ज़्यादा भी मेरा ख़राब है क्योंकि बच्ची की हालत जो क्या माहौल होना था वो क्या हो गया। हाँ हम लोग के घर में बहुत अच्छा माहौल होना था, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी थी वो कुछ भी नहीं हो पाया है। और ऊपर से मेरी वार्ड भी लगी पड़ी, मैं आपको सच बता रही, मेरी ना डुगू के टाइम पे भी यही हालत हो गई थी। पर फिर भी हम लोग ये था कि डुगू को ट्रीट करा के ले आए थे, डुगू के साथ और कुछ नहीं हुआ था। डुगू को जॉइंटिस के टाइम पे जब फोटोथेरेपी मिल रही थी तो कोई भी दवाई नहीं लग रही थी, और इसके इसमें ना डेली 1000 रुपये की दवाई ऊपर की वो उसकी पता नहीं क्या इंजेक्ट कर रहे हैं जो उसे इन्फेक्शन वगैरह बहुत सी चीज़ें उसके इस कारण भी हो गई है। बच्ची चंद दिनों की बच्ची के शरीर के अंदर इतनी सारी दवाई, डेली की 1000 रुपये की दवाई हम लोग खरीद के ला रहे हैं ना राजा। मैं बोल रही हूँ कि डुगू के टाइम दवाई नहीं लगी थी और उसको डेली 1000 रुपये की दवाइयाँ उसके अंदर डाल रहे हैं। इतने से कम दिन की बच्ची है तो वही मैं को देख देख के उसको जैसे देखती हूँ तो मेरा। और जब वो हुई थी वो इतनी प्यारी हुई, और अभी उसको आप देख लोगे तो यार चलते हैं है ना, और वहीं पर करते हैं ना। दो ही दिन अपना तो खाया, ये ने हॉस्पिटल से लेके अभी तक इनका पूरा बाहर ही बाहर हो गया खाना। मेरे ख्याल से 7 तारीख से आज हो गई 15 तारीख। मैं 5, 6, 7, 8 दिन से बाहर का ही खा रहा हूँ, बाहर का रेगुलर होगा, पेट दुख रहा है यार कि मैं घर में बैठ ही नहीं पा रही कि मैं घर में बैठूँ तो मैं उससे खाना बनवा पाऊँ।